अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। देश में ये मुकाम पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हुए। अटल जी का जीवन राजनीति, कविता और सादगी के बीच बीता। बीते 2 महीनों से किडनी में संक्रमण के कारण वो दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती थे और अंत में कल उनका अस्पताल में निधन हो गया। अटल जी के जीवन से जुड़ा एक सवाल ऐसा है जिसका सही सही जवाब और ठोस कारण किसी को नहीं पता। सवाल ये कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी क्यों नहीं की? जब कभी अटल जी और उनके अविवाहित होने का जिक्र होता है तो सदन में उनका वो बयान याद आता है, विपक्ष के हमलों के बीच तब अटल जी ने बड़ी साफ गोई के साथ संसद में कहा था, मैं अविवाहित जरूर हूं लेकिन कुंवारा नहीं। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। ग्वालियर में ही 25 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था। वहीं विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों से ही उनकी एक महिला मित्र थी राजकुमारी कौल, जो अपने आखिरी समय तक अटल जी के साथ थी। दोनों ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में सहपाठी थे। कहा यह भी जाता है कि अटल जी अपनी इस महिला मित्र से प्रेम करते थे। कुछ जानकार और किताबें इस बात का भी हवाला देती हैं कि वाजपेयी जी ने कॉलेज के दिनों में कौल को एक चिट्ठी लिख प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन इसका कोई जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। हालांकि बताया ये भी जाता है कि अटल जी ने ये चिट्ठी जिस किताब में रखकर लाइब्रेरी में छोड़ी थी, उसी किताब में राजकुमारी कौल ने जवाब भी लिखा था, लेकिन वो कभी अटल जी तक पहुंचा ही नहीं। अटल जी पर लिखी गई किताब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजंस में इस घटना का जिक्र भी है। राजकुमारी कौल के एक पारिवारिक करीबी के हवाले से कहा गया है, वास्तव में वो अटल से शादी करना चाहती थी लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल ब्राह्मण थे लेकिन कौल परिवार के सदस्य अपने को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। बहरहाल जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी, अटल जी मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय हो गए। इसी बीच राजकुमारी कौल के पिता ने उनकी शादी एक कॉलेज प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल से कर दी। शादी के बाद राजकुमारी कौल का परिवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज कैंपस में रहने लगा। कहा जाता है कि दिल्ली में अटल जी और राजकुमारी कौल की दोस्ती फिर से गहरी हो गई। राजकुमारी कौल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इस बात की जरूरत महसूस नहीं की कि इस रिश्ते के बारे में कोई सफाई दी जाए। पत्रकार कुलदीप नैयर ने टेलीग्राफ में लिखा था, संकोची मिस कौल अटल की सब कुछ थी। उन्होंने जिस तरह अटल की सेवा की वो कोई और नहीं कर सकता था, वो हमेशा उनके साथ रही। दक्षिण भारत के पत्रकार गिरीश निकम ने बताया था कि अटल जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी मैं उसके घर पर फोन करता था तो वही फोन उठाती थी और कहती थी, मैं मिसेस कौल बोल रही हूँ। दोनों की दोस्ती की नैतिकता ऐसी थी कि राजकुमारी कौल के पति ब्रिज नारायण कौल को भी इस पर कोई एतराज नहीं था। राजकुमारी कौल ने 80 के दशक में एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा, अटल के साथ अपने रिश्ते को लेकर मुझे कभी अपने पति को स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ा। हमारा रिश्ता समझबूझ के स्तर पर काफी मजबूत था। अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम बने तो उनके सरकारी निवास पर भी राजकुमारी कौल अपनी बेटी नमिता और दामाद रंजन भट्टाचार्य के साथ रहती थी। अटल जी ने नमिता को दत्तक पुत्री का दर्जा दिया था और कौल परिवार ही उनकी देखरेख करता था। वर्ष 2014 में राजकुमारी कौल जी का भी निधन हो गया था।